कुछ तो यंत्र होगा, कुछ ध्वनि यंत्र या कुछ बता दो भाई, बता बता, स्माइल कर रहे हैं, देख के बता रहे, गूगल में देख के बताना मेरे को। अग्नि अग्नि भीतर, नहीं अंदर, भीतर भीतर बोलिए यार, कुछ तो बोलिए यार। Hi guys, I'm Shad Malhotra. Hi guys, I'm Jaya Nandi. And you're watching Filmy Beat. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रणसिंह और सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ हैं आप सभी के फेवरेट शरद मल्होत्रा एंड जया नंदी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू सुरभि, थैंक यू सो मच। ओके सो, आपका नया सॉन्ग आया है, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे उस नए गाने के बारे में। जी, नया सॉन्ग आया है और गाने का नाम है दिल निसार हुआ, क्रूनर्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है। बस गाना अभी रिलीज़ हो चुका है और बस अब उम्मीद है कि आप लोग ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ लोगों का प्यार, गुड विशेस, सब कुछ इस गाने में है। तो बस हम कोशिश करेंगे कि जितना आप लोग इसे शेयर करें, जितना लाइक करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा बहुत, डेफिनेटली। पहले आपको स्क्रीन पे देखना ही लोगों के लिए ट्रीट होता है, फैंस के लिए ट्रीट होता है। आपका इसमें डेब्यू है जो है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस, आई मीन पहले दिन से इट वॉज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू, यू नो। और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी ये काम करूँगी, या फिर मैं कभी भी, मतलब इतना जल्दी तो बहुत दूर की बात है, मैं कभी भी ये काम करूँगी मुझे ये तक नहीं पता था। और आज ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं हम लोगों के गाना, तो मुझे अभी तक बिलीव नहीं है कि हाँ ये गाना रिलीज़ हो गया है। बट आई एम जस्ट होपिंग कि ये गाना अच्छा चले, लोगों को पसंद आए, और मेरे लिए तो एक्सपीरियंस वंडरफुल रहा है। ओके, सॉन्ग का पोस्टर देख के यू नो आपकी फैमिली का, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन? अब तो सॉन्ग भी आउट हो चुका है, सो आई गेस अभी भी कमेंट्स आने शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल, आई थिंक अभी बस रिलीज ही हुआ है, मुश्किल से 10-15 मिनट हुए हैं, और टीजर देख के लोग बहुत खुश हुए थे। फैमिली वॉज वेरी वेरी हैप्पी, रिप्सी वॉज वेरी हैप्पी, शी लव्ड द एंटायर फील ऑफ द एंटायर पोस्टर। बहुत ही फिल्मी पोस्टर है, रेगुलर एक म्यूजिक वीडियो पोस्टर नहीं है। तो जिस तरह हमने शूट भी किया है, हमने कोशिश की कि थोड़ा हम इसे फिल्मी बनाएं, सिनेमैटिकली बहुत सुंदर हो, अच्छे लोकेशंस हो, गुड लुकिंग आर्टिस्ट हो, टेक्नीशियंस, हमने कहीं भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने कोशिश किया कि हम कहीं ना कहीं किसी भी तरह से क्वालिटी ड्रॉप नहीं हो, तो वो हमने हमेशा फर्स्ट डे से हमने मेंटेन किया है। और आई थिंक अब जब फाइनली आउट हो चुका है, आई थिंक अब लोगों के पास है गाना, इट्स आप लोगों का गाना है ये, तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जितना इसे आप वायरल बनाइए, रील्स बनाइए, अच्छा लगेगा यार, क्योंकि मेहनत गई है सबकी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, और जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, एक छोटा सेगमेंट हम आप लोगों के साथ खेलना चाहते हैं, जैसे हिंदी के वर्ड्स होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है लेकिन जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो हमें हिंदी में इतना नहीं पता होता, तो बस वही है कि कुछ मैं आपको इंग्लिश के वर्ड्स बताऊँगी जो हम एक्चुअली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आपको बता रहा हूँ उसे हिंदी में क्या कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट है मोबाइल, कुछ तो यंत्र होगा, कुछ ध्वनि यंत्र या कुछ क्या है, यंत्र है ना, कम्युनिकेशन के लिए, नहीं कम्युनिकेशन हिंदी में, कम्युनिकेशन का हो गया आपका दूरदर्शी, नहीं दूर से बात करते हैं, क्या होगा यार बता दो भाई, बता स्माइल कर रहे हो, देख के बता रहे, गूगल में देख के बताना मेरे को। अच्छा क्या, बताओ दूरभाषी यंत्र, अच्छा दूरभाषी जी। एंड नेक्स्ट इज बाइसिकल, बोलिए बाइसिकल, वाहन कुछ होगा, नहीं मतलब ये बहुत ही, क्या वाहन होगा, ये कुछ वाहन है क्या, नहीं और कुछ बोलते हैं वाहन, गाड़ी वाहन गाड़ी, नो नॉट बैलगाड़ी, नहीं बैलगाड़ी कहाँ है यार, हम थोड़ा बैल है भाई नहीं कौन सी गाड़ी है बताओ, पैर गाड़ी अरे यार बोला पैर मैंने पहले इसे, पैर गाड़ी, नाइस इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आपको डेफिनेटली पता होगा, बहुत इजी है, कलम, हां ये सोच रही थी जी, फायर ब्रिगेड, अग्नि अग्निस्थल तो हो गया, फायर स्टेशन ना, फायर ब्रिगेड हो गया, अग्नि क्या, बताओ
अग्निशमन दल ओके ये तो सबसे ज्यादा मैं भूल गया भाई मैं हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे यार जी इंटरनेट What is internet in Hindi, yaar? I forgot about a comfort also here. internet, what jal is it? Inter, andar... Yes. Andar... Andar jal. Nein, andar jal. Andar ko aur kya bolta hai? Nein, andar, bhitar. Bhitar... Aur? Ye damshra jal ho raha hai, toh lagta. Kya bolo bhai, kya jal hai ye? Andar jal. Andar jal bolo na? Yes. अंतर जाल ओके इंटरनेट अच्छा सोशल मीडिया बोलिए यार कुछ तो बोलिए यार मैं तो सोशल मीडिया में इतना एक्टिव ही नहीं हूं बहुत इजी है सोशल मीडिया एक्चुअली बोलिए नो नॉलेज मैन नो सोशल समाज और मीडिया बोलो मीडिया का हिंदी क्या है बोलो मुझे आपसे एक बात पूछनी कि इतने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए लेकिन अभी भी जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो क्या वही एक्साइटमेंट होती है आपको बिल्कुल मेरी एक्चुअली अब वो एक्साइटमेंट ना बढ़ती जा रही है ऐसा है कि मतलब अब पासिंग एवरी ईयर आई थिंक मैं ज़्यादा और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ और रातों की नींद थोड़ी कम हो जाती है मेरी तो आई थिंक कल भी ऐसा था कि मैं बहुत कम सो पाया क्योंकि एक एक्साइटमेंट था एक नर्वस एनर्जी थी क्या होगा अगर पता नहीं कैसा रिलीज़ होगा सब कुछ ठीक रहे तो ऐसा होता है मेरे साथ हर प्रोजेक्ट के पहले जो लोग मेरे आसपास हैं उनको पता है कि छोड़ दो दिन दो तीन दिन के लिए छोड़ दो अभी तो आई थिंक ये एक दो दिन में थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में फिर स्टार्ट हो जाता है तो आई थिंक इट्स एक पैटर्न है मेरा जो इतने सालों से अब ज़्यादा थोड़ा बढ़ चुका है क्योंकि अब क्या है कि और ज़्यादा एक्साइटमेंट है काम को लेके नए काम को लेके अच्छे काम को लेके और कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है सो आई थिंक ओके आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपका पहला प्रोजेक्ट है एंड आपको नींद आई नहीं मुझे भी नहीं आई एक्चुअली मुझे जो चीज़ इसमें सबसे बेस्ट लगा कि ये गाना हम लोगों ने एक साल पहले शूट कर किया है और आई थिंक एक बार ऐसा कुछ तो हुआ था जब शरद का और सना का एक पोस्टर आया था जो कोई और जगह से आया था एंड देन इन लोगों ने पोस्ट किया बट उसके बाद भी लाइक ऐसा कोई दिन नहीं गया या फिर ऐसा कोई वीक नहीं गया जब लोगों का क्वेश्चन नहीं आया कि कब रिलीज़ हो रहा है आई थिंक यू नो हम आर्टिस्ट ऑफकोर्स हम लोग नहीं भूले कि ये गाना है हमारा बट पब्लिक भी नहीं भूले पब्लिक भी वेट कर रही थी वो एक पिक्चर देखे कि हाँ कब आ रहा है आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट फील आई फेल्ट थ्रू द होल लाइक वन ईयर ऑफ जर्नी और वो मुझे ना रखा कि हाँ लोग तुम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये जब रिलीज़ होगा ये सब कुछ अच्छा कर देगा तो या दैट वॉज द होप लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोकेशन के बारे में हम क्या बताना चाहेंगे बिल्कुल आई थिंक टर्की इन इट सेल्फ आई थिंक बहुत ही सुंदर जगह है लोग उतने ही सुंदर हैं अच्छे लोग हैं प्यारे लोग हैं आई थिंक शूटिंग फ्रेंडली जगह है खाना कमाल का है जो एक जोग्राफिकल जो पूरा उसका एक जो जो मैं कहूँ अगर कि लोकेशन वाइज मैं कहूँ जोग्राफिकली भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है बीचेस हैं माउंटेंस हैं सब कुछ मिलेगा आपको टर्की में सब कुछ मिलेगा तो आई थिंक शूटिंग के लिए बहुत एक इट्स वेरी प्लस पॉइंट कि अगर आपको बीचेस दिखाने हैं ब्लू वाटर दिखाना है एकदम प्रिस्टीन ब्लू वाटर आपको माउंटेंस दिखाने हैं वहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है वहाँ पे बीचेस भी हैं गर्मी भी होती है सर्दी भी होती है बारिशें भी होती हैं तो सब कुछ इन टोटलिटी आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड रिपीट वैल्यू टर्की की बहुत ज़्यादा है मतलब मैं तो घूमने जाता हूँ बट मैं पहली बार शूट करने गया हूँ सबके साथ तो मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू गो बैक व्हाट वाज द क्वेश्चन टर्की कितना अच्छा लगा आपको टर्की ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने अभी आप खोई हुई है इनको इनको भी देखना है कि गाने हां गाने का रिस्पांस क्या है मैं समझ सकता हूं देखिए मैं भी बीच में चेक कर रहा हूं आप कंटिन्यू चेक कर रहे थे तो ऑफ कोर्स टर्की इज अ वंडरफुल प्लेस एंड आई थिंक नेचर का जितने भी ब्यूटीफुल होते हैं ना सब एक ही जगह में है लाइक यू कैन सी एवरीथिंग इन दैट प्लेस एंड ऑफ कोर्स शूटिंग करने में जो जो लोकेशन मुझे दिखा आई वाज लाइक ओह दिस इज सो ऑसम और शायद मैं अकेली जाती
होती तो मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाती, लेकिन मैं टीम के साथ गई तो एक तो मतलब जब आप ग्रुप में जाते हो ना देन यू फील सो एक्साइटेड अबाउट थिंग्स, तो वो तो था और ऊपर से टर्की था, शूट था, काम था, मतलब एवरीथिंग था सब मेरे पास, आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट दैट. कैसा लगा आपको? थैंक यू, बहुत मजा आया. मैं भूल गया था मैं किस लिए आया था यहाँ पे भाई. हैशटैग दिल निसार हुआ रिलीज हो चुका है, प्लीज जाके देखिए इससे पहले कि हमें और कुछ सब बताएं. थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज गो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गिव लॉट्स ऑफ लव टू हैशटैग दिल निसार हुआ आउट नाउ. थैंक यू.